रणवीर। हाय डूड, हाउ आर यू? वेरी गुड। बस पास में आया था एक एड की शूट के लिए। सोचा अगर आप फार्म हाउस जा रहे हो सो आई गेट अ लिफ्ट। रणवीर। व्हाट रणवीर? ही इज राइट, मैं वहीं तो जा रहा हूं, इसे लिफ्ट दे दूंगा एंड इट विल बी अ प्लेजर टू गिव हिम अ लिफ्ट। कम ऑन, लेट्स गो। क्या हुआ मामा? What's wrong, mom? आंटी क्या बात है? आज मेरी पब्लिशर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। वो मेरी किताब पब्लिश करने से इनकार कर रही है। इनकार कर रही है? But why? पता नहीं, किसी लीगल नोटिस की बात कर रही थी। नोटिस? उस दिन अपनी बुक रिलीज पर मैंने जो अनाउंस किया था, मेरी अगली किताब मेरी अपनी कहानी होगी, शायद वही वजह है। कोई तो है जो नहीं चाहता कि मेरी ये कहानी दुनिया के सामने आए। Yeah, but how does it affect someone else? ये आपकी कहानी है, इसमें किसी दूसरे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये तो वही जाने, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कौन। लेकिन एडिटर कह रही थी दैट इट्स समबडी वेरी इन्फ्लुएंशियल, इफ आई गो अहेड तो कोर्ट में केस भी फाइल हो सकता है। यू डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपके पास कहानी की सच्चाई का सबूत है, नो वन कैन डू एनीथिंग। सबूत? Yeah, I mean, some documents or letters, कुछ भी हो सकता है। That will give your story a lot of weight. और उसके बाद अगर किसी को objection होगा तो सारे सबूत उसके सामने रख दिए जाएंगे। पर मामा, आप ये किताब लिखना ही क्यों चाहती हैं? Why do you want to write it? बेटा, दिल के जख्म अगर ढक दिए जाए तो उनका दर्द कम नहीं होता। तीस तो रह रहकर उठती रहती है दिल में। जिस तरह तुम्हारे पापा ने हमें छोड़ा, जिस तरह मैंने तुम तीनों को पाला, जो कुछ मैंने सहा, अगर कोई और होता ना मेरी जगह तो कब का टूट गया होता। लेकिन मैं नहीं टूटी। अपनी जिंदगी के पन्नों को समेट कर एक नए सिरे से कहानी शुरू की है मैंने, और ये कहानी दुनिया के सामने आना जरूरी है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर उस औरत के लिए जिसकी जिंदगी किसी और की वजह से बिखर जाती है। चाहे मैं किसी का नाम ना लूं, लेकिन ये किताब छपेगी जरूर, और दुनिया की कोई ताकत मेरी ज़बान बंद नहीं कर सकती। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस मौजूद हैं तो आपकी ये बुक मैं पब्लिश करूंगा। Are you sure, बिना? जी बिल्कुल, I mean it. Great, let's call for a special celebration. Oh wow, that's a wonderful idea. एक काम करो, गिटार लेके आओ, मैं प्ले करता हूँ, गाना शाना हो जाए। You know what? I have a better idea. Let's go for a drive and then we can chill on some ice cream. Great idea, brother. Let's go right now. So sweet. Yeah, she's a doll. How cute, yeah. Very innocent. Who is she, sir? ये मिनी है। और इसे मैं अडॉप्ट करने जा रहा हूँ। अब तक अकेली थी, लेकिन अब नहीं। अब ये मेरे घर में आएगा और उसे खुशियों से भर देगा। अब लेकिन सर, इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? अब तक ये एक ऑर्फनेज में पल रही थी, लेकिन आज के बाद कोई भी सनात नहीं कहेगा। अच्छा बेटा मिनी, अब तुम क्या खाओगी? अरे बाप ले, ऑफ कोर्स वी आर गोना हैव बर्गर नाउ, लेट्स गो। पहले बर्गर खाओ, बाद में चॉकलेट मिलेगी। ऑल राइट, ये लो। व्हाई यू डूइंग दिस? सिट। क्या हुआ? आप इसे क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं? आप इसे ही क्यों घर लेके जाना चाहते हैं?
बिकॉज आई लव हर और मिनी भी मुझसे प्यार करती है और इसकी माँ नहीं चाहती कि ये उसके साथ रहे। पर हो सकता है ना कि इसकी माँ की कोई मजबूरी हो। पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। पर इसकी माँ की मजबूरी इसका बचपन तो नहीं छीन सकती ना इशी। मैं इसे इसका वो बचपन देना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है आपको ऐसा करने की। मैं जो करना चाहता हूँ करता हूँ और दिल से करता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है दिल से किया है। And no one can influence me. I know that. जानती हूँ मैं। पर आप इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरी बेटी है। माँ हूँ मैं इसकी। मैं जानता हूँ। देखो मिनी मेरे साथ तब तक रहेगी और एक बेटी की तरह रहेगी जब तक तुम डिसाइड ना कर लो कि तुम्हें करना क्या है। और जब भी तुम्हें मिनी वापस चाहिए कह देना, तुम्हारी बेटी तुम्हें सही सलामत वापस मिल जाएगी। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो हम रिटन एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Excuse me. Yeah. I'm looking for Mr. Raghav. It's regarding. I'm supposed to collect a check from him. Actually, he's busy right now. You can have a seat. Thank you. Hi. Hi. I'm Ranveer. You're here for an audition? You're selected. मैं कह रहा हूँ ना, काफी एक्सपीरियंस है इस आर्ट वर्ल्ड में मेरा। I've done loads and loads of ads. I'm sure you've seen me. शायद बॉक्सर की एड में। नहीं नहीं, that was actually for charity. वो क्या ना, बेचारे गरीब लोग, उनके पास कपड़ा नहीं होता है पहनने के लिए, so it was purely for that. But अगर मैं आपको दूसरे एड्स के बारे में बताना शुरू करूंगा तो शाम ही हो जाएगी। By the way, you got a sexy figure. Beautiful eyes. Your hair is kind of old fashioned. But don't worry, मैं हूँ ना, तुम बस मुझे मिलती रहना। आपका नाम तो बताया नहीं आपने अभी तक। गीता, आपको सर बुला रहे। You going in? Yeah. I'll come with you. You know, वैसे मेरी काफी चलती है यहाँ पर, काफी experience है। Don't worry, I'll recommend you. डरना मत, please. सर, इन्हें आपसे मिलना था। आई नो, बट आप मुझे नहीं पहचाना सर। शायद आप नए आए हैं। रणवीर, शी इज गीता। सर, आपको इन्हें काम देना ही होगा। अच्छा, सर शी इज वेरी टैलेंटेड एंड वेरी प्रिटी, एज यू कैन सी सर। शी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन सर। इनको ऑडिशन करने की कोई जरूरत नहीं सर, इनकी गारंटी मैं लेता हूँ। आई एम टेलिंग यू, शी इज गोना बी अ बिग मॉडल समडे। गीता, तुम मॉडल बनना चाहते हो? बनेगी सर, शी गॉट अ गॉडफादर नाउ ना मी। सर आप इनकी आंखें देखो, क्या कशिश है। इनके बाल जैसे काले बादल हैं। सर हर लिप्स, ओह टाटा। नहीं सर, मैं जानता हूँ आपकी बेटी के जैसी है, बट आई वाज टॉकिंग ऑन अ प्रोफेशनल लेवल। वो मेरी बेटी है। हाँ हाँ, आपकी बेटी तो है। पहले क्यों नहीं बताया? Who the hell are you? तुम यहाँ क्यों आए? वो मैं सर चेक कलेक्ट करना है। कौन सा चेक? वो एड का। कौन सा एड? चड्डी का, बॉक्सर का। देखो, मैं ये छोटे मोटे चेक इसलिए नहीं करता। जाओ जाके अकाउंटेंट से बात करो। Get out. Excuse me, can I have my number? Write down. My number is 1 1 0 0 0. बस इतना? It's nine. 1 0. Thank you. Bye. 6-letter word, starting with S, ending with D. Clue? Foolish. Yes, smooch. One track mind. Smooch ends with a D. Right.
How stupid of me. Stupid. Kya kaha? That's the word. Stupid. Starts with an S, ends with a D. Wow. You're a genius, yaar. वो तो मैं तुम लोगों को कब से कह रही हूँ, पर तुम लोग हो जो मेरी बात ही नहीं मानते हो। On second thoughts, इस वर्ड को तो सिर्फ तुम ही गेस कर सकती थी। Stupid. Hey Sam, tell me one thing. What happens when you put a rasgulla in your mouth? नहीं पता? Okay, मैं बताती हूँ. It goes in your stomach. Can you please cut this out, Udita? जब देखो स्टूपिड जोक्स क्रैक करती रहती, can't you just keep quiet for 2 minutes? Sam, I'm sorry Sam, I was just trying to cheer you up. कोई बात है जिसकी वजह से तुम अपसेट हो और तुम वो बात हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहती हो. So I thought if we can't share your sorrow, we can at least share some happiness with you. I'm sorry. I'm sorry, Udita. Sam, कुछ बात तो है. Why don't you just discuss it with us, यार? We are your friends after all, aren't we? You know what? मुझे लगता है सैम अजय के बारे में सोच कर ही अपसेट है. I think he is the problem, यार. How can he be the problem? He's my problem. वो से एक sister, एक दोस्त की तरह प्यार कर सकता है, but that kind of love, it's only for me. Udita, understand. He may not like you, maybe he does like Sam. और अगर ये सच है, then I think you should accept it and move on. Sam. अगर तुम्हारे अपसेट होने का रीजन अजय है तो यू कैन कीप हिम. आई एम रेडी टू गिव हिम अप. जस्ट व्हाट डू यू मीन उदिता? सी, मैंने ऐसी बहुत सी फिल्म्स देखी हैं जिसमें दो फ्रेंड्स एक ही लड़की को प्यार करते हैं. इट हैपेंस नॉर्मली. और एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर देती है. पता है क्यों? क्योंकि फिल्म के एंड में उसे दूसरा हीरो मिल जाता है और मैं उसी दूसरे हीरो का वेट कर रही हूँ. So it's okay with me. You can keep Ajay. Sam, it's okay. मुझे पता है that you hate falling in love. पर ये कोई hard and fast rule थोड़ी है कि you can never fall in love with anybody. Sam, love just happens, यार. And you are falling in love, isn't it? Oh my God! तुम इस सब के अलावा भी कुछ सोच सकते हो? Guys, love, प्यार. You know what? इन सब के अलावा भी relations होते हैं. Important things होते हैं जिसे सोचकर इंसान upset हो सकता है. But you know what? तुम्हारे इस narrow mind की वजह से तुम लोग कुछ सोच ही नहीं सकते हो. You guys are disgusting. Sam, क्या हुआ? Thank you very much for your concern. पर अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती. Am I clear? Just lay off my back, please. ये समीरा को क्या हुआ? ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? चलो देखते हैं मिस्टर परफेक्शन अब क्या मिस्टेक निकालते हैं मेरे काम में. जो अनन्या समित के इतना अगेंस्ट क्यों है? मुझे लगता है वो समित को अभी तक समझ ही नहीं पाई है. You know what, Jo? Frankly, मैं भी आज तक समित को समझ नहीं पाई हूँ. Yeah. No, really. अब उसे देखो. He's so handsome, so successful, has loads of money. But then ना, इतना गुस्से वाला है वो. कोई उसे tolerate भी करे, तो कैसे? No, he's not my types at all. Udita babes, I know your type of men. And believe me, सिर्फ तुम उन्हें झेल सकती हो और सिर्फ तुम उन्हें date कर सकती हो. You know what, Jo? I agree with you. Sir, ये मेरे शो की स्क्रिप्ट. Sir. तुमने लिखी है? जी सर. अच्छा, तो अभी इन्हें शक है कि ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी भी है या नहीं?
God. You have made all the changes like I told you. जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा था। मैं तो एकदम नालायक हूँ, कुछ आता जाता थोड़ी है मुझे। Opening ding code sign off. दोनों सर, जैसा आपको चाहिए था। और आपको तो बस यही चाहिए कि changes करते करते मैं पागल हो जाऊँ। Humor. पिछले स्क्रिप्ट में ह्यूमर थोड़ा कम था। सर, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू पुट इट। हंसी तो मुझे आप पर आ रही है। आप जैसा बॉस तो किसी को भी पागल कर दे। आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू हैव रिटन? एब्सोल्युटली सर। आर यू श्योर? इन फैक्ट मैं तो श्योर हूं, पर डोंट नो कि आप कब श्योर होंगे, और वो भी इस जन्म में। ओके देन, लीव इट हियर, आई विल गो थ्रू इट लेटर। जी सर। वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट लेट डॉक्टर मिया कह दीजिएगा कि मेक मोर चेंजेस। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्क्रिप्ट, तो तुम्हें यकीन होना चाहिए कि मुझे भी ये पसंद आएगी। I've done my best and I hope you like it. जो कभी हो नहीं सकता, at least I'm sure. I'm confident about that. ठीक है सर, you go through the script and give me the feedback. Okay. Good day sir. जा ही रही हूँ। ऐसे खूंसट आदमी के साथ वैसे भी कोई कैसे काम कर सकता है? रणवीर फोन उठाओ। रणवीर, निंदिया, हेलो, कैन आई स्पीक टू कवितापुरी प्लीज? या स्पीकिंग। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कौन बोल रही हैं? एक वेल विशर, जिसकी यही विश है कि दोबारा जिस जतन से तुमने अपनी जिंदगी को समेटा है वो फिर से ना बिखर जाए। हु आर यू एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दिस? फिलहाल तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि अपनी नॉवेल को छापने के ख्वाब को ख्वाब ही रहने दो। क्या मतलब है तुम्हारा? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ मम्मा? किसका फोन था? नाम तो नहीं बताया उसने, लेकिन मैं जानती हूँ किसका फोन था। उसके अलावा कोई फोन कर भी नहीं सकता। वो नहीं चाहती कि उसकी शीशे जैसी इमेज के पीछे जो गंदगी है वो दुनिया के सामने आए। सोसाइटी में जो उसका स्टेटस, उसका रुतबा है, उस पर लोग कीचड़ उछाले। इतनी छोटी शान बनाई रहना चाहती है वो, लेकिन उसकी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर रहूं।